अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफी और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल इंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 26 यानी सबक नंबर 26 का आगाज कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फोर लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स। पिक्चर देखें जरा, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है किसी पहाड़ या पहाड़ी की चोटी की, यानी किसी माउंटेन या हिल की जो चोटी है वो नजर आ रही है और इसको हम पहले पढ़ के आए, इसको कहते हैं टॉप। लेकिन नया लफ्ज इसके लिए है पीक, PEAK, पीक, पीक, पीक। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये हमें केक की पिक्चर नजर आ रही है जो हम खाते हैं, तो इंग्लिश में इसको केक ही कहते हैं, CAKE, केक, केक, केक। और ब्रिटिश या अमेरिकन इसको बोलते हैं केक। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये देखिए हमें मुख्तलिफ किस्म के औजार जो है वो नजर आ रहे हैं। ये प्लास है, ये हथौड़ी है, ये नापने के लिए टेप है, इस तरह से ये पेचकस है वगैरह वगैरह। इन सब को हम कहते हैं औजार और औजार को इंग्लिश में जो है वो टूल कहते हैं। तो टूल एक को कहेंगे और एक से ज्यादा को टूल्स कहेंगे। तो आगे ये है टूल, टूल। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये एक चिड़िया है जो कि एक तार के ऊपर बैठी हुई है, तो तार चाहे किसी किस्म की भी हो इसको इंग्लिश में कहते हैं वायर। इसको आपने वायर नहीं कहना, इसको आपने वायर, और W से स्टार्ट हो रहा है तो होंठों को गोल करके आपने बोलना इसको वायर, WIRE, वायर, वायर, वायर। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम, ये एक गाड़ी की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये वो गाड़ी है जो कि हम किराए पे लेके किसी जगह पे जाना होता है तो चले जाते हैं। तो अपनी गाड़ी हो तो उसको कार बोलते हैं, लेकिन ये जो कार है जो कि किराए पे ली जाती है इसको कहते हैं टैक्सी, TAXI, टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। ब्रिटिश अमेरिकन इसको कहेंगे टैक्सी। तो आज हमने ये जो वर्ड्स सीखे हैं इनको अब हम बगैर पिक्चर के देखते हैं और इसके सिंगुलर और प्लोरल भी पढ़ते हैं कि वाहिद क्या है और जमा क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फोर लेटर वर्ड्स लर्न टुडे। सिंगुलर मैं इधर लिखूंगा और इधर प्लोरल लिखूंगा, यानी वाहिद इधर और जमा इधर। पीक, पीक्स, केक, केक्स, टूल, टूल्स, वायर, वायर्स, टैक्सी, टैक्सीज, और इनकी तादाद जो है वो 10 है, यानी आज हमने 10 वर्ड्स सीखे हैं चीजों के नाम। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश वर्ब्स, और सबसे पहले स्पेशल फॉर्म यानी इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इन्फिनिटिव है हमारा टू लिसन यानी सुनना, टू लुक देखना, टू मेक बनाना, कि कोई भी चीज बनाना, कि अगर आपने कोई लकड़ी की कोई चीज बनानी है, लोहे की कोई चीज बनानी है, तो उसके लिए हम टू मेक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमने इसको अपनी कन्वर्सेशन में यानी गुफ्तगू में या टॉक में अगर हमने इनको इस्तेमाल करना है तो हम इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम अभी बहुत जल्द इसमें दाखिल नहीं होना चाहते, तो पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हैं V1, V2, V3 वो पढ़ते हैं। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो लिसन से हम स्टार्ट करते हैं, लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड, मेक, मेड,
मेड। मैं एक दफा फिर पढ़ता हूं आपके लिए। लिसन लिसन्ड लिसन्ड, लुक लुक्ड लुक्ड, मेक मेड मेड। अब हम नेगेटिव वर्ब्स पढ़ते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। नेगेटिव वर्ब्स पॉजिटिव सेंटेंस। लिसन सुनो या सुनिए, लुक देखो या देखिए, मेक बनाओ या बनाइए। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं इसको। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? डू नॉट लिसन, मत सुनो या मत सुनिए, या ना सुनो या ना सुनिए। डू नॉट लुक, मत देखो या ना देखो। डू नॉट मेक, मत बनाओ या मत बनाइए। शॉर्ट फॉर्म देखते हैं जरा। शॉर्ट फॉर्म है डोंट लिसन, ना सुनो, डोंट लुक, ना देखो, डोंट मेक, मत बनाओ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखें, शॉर्ट सेंटेंसेस हम पढ़ने जा रहे हैं और शॉर्ट सेंटेंसेस आज हम जो वो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसकी समझ लीजिए कि किस्त नंबर 2 ये जो लिखा हुआ है या एपिसोड नंबर 2 है। तो जरा देखें शॉर्ट सेंटेंसेस कौन से हैं और इसमें आज हम जो वर्ब को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी सिलेक्टेड वर्ब हमारा है आज का प्ले। ब्रिटिश इसको कहेंगे प्ले या अमेरिकन इसको कहेंगे प्ले। हम पी बोलते हैं, वो फी बोलते हैं। तो दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड, यानी खेलना है आज हमने, यानी खेलों से स्टार्ट करना है। और जो हम गेम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हॉकी। तो मैं तो हॉकी के लिए ये सारे सेंटेंस जो वो बोलूंगा, लेकिन आपने जितनी भी गेम्स आपने पढ़ी हैं पिछली पिछले लेक्चर्स में, जैसे क्रिकेट हो गया, चेस हो गया वगैरह वगैरह, वो आपने हॉकी की जगह पे लगा के ऊंची आवाज में बोलना है। इतनी आवाज होनी चाहिए कि वो आवाज आपके कानों तक पहुंचे, ताकि आपके मसल्स को आदत पड़ जाए, आपकी जुबान के ऊपर भी जो हिचकिचाहट है वो भी दूर हो जाए। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं जो है वो ये प्ले का जो वर्ब है इसको सिलेक्ट किया है। तो इसके साथ हम डिफरेंट जो है वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी हम छोटे से शुरू करके बड़े तक जाएंगे और अल्फाज का इसमें इजाफा करते जाएंगे। आपने ये सारे वर्ड्स पहले भी पढ़े हुए हैं और कुछ एक आध नया भी आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। प्ले, प्ले हॉकी। प्ले का मतलब है खेलो, प्ले हॉकी का मतलब है हॉकी खेलो, या अगर उर्दू में इसको बोलना है तो कहेंगे हॉकी खेलो। प्ले हॉकी डेली, रोजाना हॉकी खेलो या हर रोज हॉकी खेलो। तो इंग्लिश में जब आप बोलेंगे तो हॉकी कहना है, उर्दू में आप हॉकी कह सकते हैं। आगे जरा देखें, प्ले हॉकी डेली इन दी आफ्टरनून। आपको पता ही है मैंने इसको येलो लिखा हुआ है इस वजह से कि आगे जो वर्ड आ रहा है आफ्टरनून, ये वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से दा नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। प्ले हॉकी डेली, हर रोज हॉकी खेलो इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त। तो हम इसको उर्दू में इस तरह से बोलेंगे, हर रोज दोपहर के वक्त हॉकी या हॉकी खेलो। प्ले हॉकी डेली इन द आफ्टरनून। तो नेक्स्ट है प्ले हॉकी ऑन संडे। किसी दिन की बात करनी है तो किसी दिन के पे खेलनी है तो आप ऑन के बाद वो दिन लगा देंगे, यानी उस दिन। प्ले हॉकी ऑन संडे, इतवार के दिन या इतवार को हॉकी खेलो। आप संडे की जगह पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये लगा के आपने प्रैक्टिस करनी है इस सेंटेंस के ऊपर। प्ले हॉकी ऑन संडे, के इतवार को हॉकी खेलो। आगे है प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, के हर इतवार को अगर आपने हॉकी खेलनी है तो ये सेंटेंस बोलेंगे। अगर किसी को कहना हो तो प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। एवरी का मतलब है हर, ऑन एवरी का मतलब है हर को। तो ये तो सही नहीं बनेगा, लेकिन अगर इसको सारे को मिला के कहेंगे ऑन एवरी संडे, के हर इतवार को, तो ये फिर सही लगेगा।
प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। तो जहां पे संडे है आपने इसको रिवाइज करना है किसके साथ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लगा के यहां से लेकर यहां तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जबान जो है वो इसको एडॉप्ट कर ले, यानी ये आपकी जबान पे या आपके मुंह पे चढ़ जाए। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, या मैं एक दफा दोहरा दे तो इसको, प्ले प्ले हॉकी, प्ले हॉकी डेली, प्ले हॉकी डेली इन द आफ्टरनून, प्ले हॉकी ऑन संडे, प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब है नेगेटिव सेंटेंस। डू नॉट प्ले, मत खेलो। डू नॉट प्ले हॉकी, हॉकी मत खेलो। डू नॉट प्ले हॉकी एवरी डे, हर रोज हॉकी मत खेलो। नेवर प्ले हॉकी एट नाइट, रात के वक्त हॉकी मत खेलो। डू नॉट प्ले हॉकी इन समर, गर्मियों के मौसम में हॉकी मत खेलो या गर्मियों में हॉकी मत खेलो। नेक्स्ट है, प्लीज डू नॉट प्ले हॉकी एट नून, मेहरबानी करके दोपहर के वक्त हॉकी मत खेलो, या बराए करम दोपहर के वक्त हॉकी मत खेलो। तो आपने इसको, ये जो मैंने समर लिखा है ये मौसम के लिए या सीजन के लिए लिखा है, आपने जो दूसरे सीजन पढ़े हैं वो समर की जगह पे जैसे ऑटम है या विंटर है या और दूसरे मौसम है, वो यहाँ समर की जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ये सारा जो सेंटेंसेस का सेट है इसको आप दोहराइए, बार बार दोहराएं ताकि आप यूज टू हो जाए, यानी आपकी जुबान इनको बोलने के मुताबिक बन जाए। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेम ऑफ फ्रूट्स, के फलों के नाम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फल को कहते हैं फ्रूट, और एक से ज्यादा हो तो हम उसको कहेंगे फ्रूट्स। तो हम बहुत से फ्रूट हैं, सारे नहीं लिख रहे क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा आप पे बर्डन या बोझ पड़ जाएगा, तो हम थोड़े थोड़े सीख लेते हैं। लेकिन जो डेली लाइफ में हम आम लोग फल खाते हैं मौसम के मुताबिक, उनके नाम और पिक्चर आप जरा देखें। सबसे पहले ये एप्पल, सेब, एक को कहते हैं सेब और इंग्लिश में एप्पल, और अगर एक से ज्यादा होंगे जैसे कि नजर आ रहे हैं तो कहेंगे एप्पल्स, यानी सेब को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। आगे आपको अंगूर नजर आ रहे हैं, एक अंगूर को हम कहते हैं ग्रेप और एक से ज्यादा को ग्रेप्स, तो अंगूर को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप, लेकिन हम क्योंकि गुच्छे की शक्ल में लेके आते हैं तो उसके साथ बहुत से होते हैं तो हम इसको ग्रेप्स ही बोलेंगे। तो नेक्स्ट आप जरा देखें, आपको ये केले नजर आ रहे हैं, एक केले को कहते हैं बनाना, ब्रिटिश इसको कहते हैं बनाना, जैसे उर्दू में हम किसी चीज को कहते हैं हमने ये बनाना है, या तो यही आपने इधर बोलना है बनाना, लेकिन अमेरिकन इसको कहते हैं बनाना, तो आप बनाना बोल लें या बनाना बोलें, इट्स अप टू यू। अप टू यू का मतलब है कि ये आपकी मर्जी के मुताबिक है आप क्या बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है आम, आम को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, तो एक से ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे मैंगोज। तो नेक्स्ट आप जरा देखें, ये तरबूज आपको नजर आ रहा है, तो तरबूज को इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन, तो आपने इसको वाटरमेलन नहीं कहना, आपने इसको डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है होंठ गोल करके पढ़ना है और आप इसको कहेंगे वाटरमेलन, तो ये बीच में स्टॉप भी नहीं करना, यानी मुसलसल आपने इसको पढ़ना है। तो ब्रिटिश इसको और अमेरिकन आर को नहीं पढ़ते, तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं वाटरमेलन। तो अलबत्ता आपने जैसा भी पढ़े लेकिन आप इसको वाटर नहीं पढ़ना, इससे जो है वो आपका तासुर या इम्प्रेशन जो है वो खराब होगा, तो आपने इसको पढ़ना है वाटरमेलन। नेक्स्ट देखते हैं हम पिक्चर, तो ये आपको यहाँ पर ये फल जो है वो ये दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में आया है, तो ये इसको पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी कहते हैं, तो आपने जैसे ब्रिटिश या अमेरिकन बोलते हैं उसको आपने कहना, मैं इसको पहले अलग अलग करके पढ़ता हूँ, इसको आपने पढ़ना है स्ट्रॉ और आगे आपने बरी नहीं कहना, आपने कहना है बैरी, स्ट्रॉबेरी, तो इसको स्ट्रा नहीं कहना आपने, ना स्ट्रा कहना है, इसको आपने कहना है स्ट्रॉ और आगे बैरी। तो इसको अब एक ही जुम्बश में, जुबान की जुम्बश से पढ़ते हैं स्ट्रॉबेरी, तो ये आप याद कर लीजिए स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, तो अगर बहुत ज्यादा होंगी तो उनको कहेंगे स्ट्रॉबेरीज। तो आगे आप जरा देखें, ये है अनानास, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पाइन एप्पल, ब्रिटिश अमेरिकन इसको कहेंगे पाइन एप्पल, तो अगर एक से ज्यादा होंगे तो इनको कहेंगे पाइन एप्पल्स। तो नेक्स्ट देखते हैं हम पिक्चर, ये जो हमें पिक्चर नजर आ रही है इसको हम नारियल कहते हैं,
और इसको खोपरा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहेंगे हम कोकोनट, और ब्रिटिश अमेरिकन इसको कहते हैं कोकोनट। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये हमें अमरूद की शक्ल नजर आ रही है। यहाँ पर दो अमरूद हैं और अमरूद को इंग्लिश में कहते हैं गुआवा, और एक से ज्यादा होंगे तो कहेंगे गुआवाज। तो नेक्स्ट देखें, ये जो पिक्चर है ये कीवी की है। तो कीवी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस फल का नाम है कीवी। कीवी न्यूजीलैंड में रहने वाले बशिंदे को भी कहते हैं, लेकिन ये कीवी फ्रूट है। एक से ज्यादा होंगे तो कहेंगे कीवीज। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये हमें आड़ू की तस्वीर नजर आ रही है, और आड़ू को इंग्लिश में कहते हैं पीच। अमेरिकन और ब्रिटिश इसको कहते हैं फीच। तो एक से ज्यादा होंगे तो कहेंगे पीचिज या फीचिज। नेक्स्ट पिक्चर ये है, हमें ये नाशपाती की तस्वीर नजर आ रही है, और इसको अमेरिकन और ब्रिटिश क्या कहते हैं? ब्रिटिश इसको इस तरह से बोलते हैं जैसे हमारा पाँव होता है, और पाँव को हम पैर भी कहते हैं, तो वो आर नहीं बोलते, वो इसको कहते हैं पैर, पैर। लेकिन इसको जो अमेरिकन है वो इसको कहते हैं पियर या फियर। तो यहाँ पर ज्यादा पियर कहने का या फियर कहने का रिवाज है, तो आप पैर की बजाय पियर इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं जरा, ये हमें लीची की तस्वीर नजर आ रही है। उर्दू में और पंजाबी में इसको लीची ही बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इसको कहते हैं लाइची। तो एक से ज्यादा होंगे तो इसको लाइचीज कहेंगे, लेकिन अमेरिकन इसको कहते हैं लीची या लीचीज, एक से ज्यादा हूं तो। बेहतर है कि अब आप ज्यादातर क्योंकि वाकिफ हैं लीची से, तो आप इसको लाइची की बजाय लीचीज कह रहे हैं। लेकिन अगर आप लाइची बोलेंगे तो लोग हैरान होंगे, लेकिन आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये हमें पपीते की तस्वीर नजर आ रही है, और पपीते को इंग्लिश में कहते हैं पपाया, और ब्रिटिश इसको कहेंगे फफाया। तो आप इसको फफाया कह दें या इसको पपाया कह दें, और अगर इससे ज्यादा होंगे तो वो पपायाज। तो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर हमें खरबूजे की नजर आ रही है। उर्दू में भी इसको खरबूजा कहते हैं, और इंग्लिश में भी इसको उर्दू में भी खरबूजा कहते हैं और पंजाबी में भी खरबूजा कहते हैं, लेकिन बाज जगहों पे पंजाबी में इसको ककड़ी भी बोलते हैं। लेकिन हमें तो इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं मेलन। तो खरबूजे को इंग्लिश में कहते हैं मेलन, एक से ज्यादा होंगे तो कहेंगे मेलन्स। तो नेक्स्ट जो है वो ये हमें जो पिक्चर नजर आ रही है इसको कहते हैं चेरी। तो ये छोटे छोटे फल है जिसको जिसके अंदर गुठली होती है, तो गुठली को हम सीड कहते हैं, तो पंजाबी में उसको गिटक कहते हैं। तो ये जो है वो सीड वाला फल है छोटा सा, इसको चेरी कहते हैं, और एक से ज्यादा को हम कहते हैं चेरीज। तो नेक्स्ट हम पिक्चर देखते हैं, ये है किनू हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया। तो इन सबको जो है वो एक ही वर्ड से पुकारते हैं, गो के उनके अलग अलग नाम भी हैं, लेकिन क्योंकि हम माल्टे या संतरा किनू को हम ऑरेंज कहते हैं, तो हम इसको कहेंगे ऑरेंज। तो नेक्स्ट जरा देखें, ये हमें खजूर नजर आ रही है, बल्कि एक से ज्यादा है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डेट। डेट तारीख को भी कहते हैं, लेकिन खजूर को हम डेट कहेंगे, और एक से ज्यादा को कहेंगे डेट्स। तो नेक्स्ट जरा देखें, ये हमें लीमू नजर आ रहा है, तो लीमू को कहते हैं लेमन। तो एक से ज्यादा होंगे तो लेमन्स कहेंगे हम। तो ऑरेंज, डेट, लेमन, ये आपने याद कर लेने हैं। तो अब हमारा लेक्चर जो है वो फिनिश होने के करीब है, और आज का जो सेंटेंस ऑफ द डे है वो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। ओबे योर पेरेंट्स। ओबे कहते हैं हुक्म मानने को, अताअत करने को। तो हमें अपने वालिदैन का जो है वो हुक्म मानना चाहिए। तो अगर किसी को कहना हो तो आप कहेंगे ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। तो यानी अपने वालिदैन का हुक्म मानो, या अपने वालिदैन का हुक्म मानिए। पेरेंट्स वालिदैन को कहते हैं या माँ बाप को कहते हैं। तो इसी पे ही आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।